सत्ता से 15 साल के वनवास ने कांग्रेस को श्री राम की याद दिला दी है। कांग्रेस को लग रहा है कि राम पथ पर चलकर ही सत्ता की डगर मिल जाएगी, इसलिए दिग्विजय सिंह ने 11 साल से धूल फांक रहे बीजेपी के अधूरे वादे को फिर से जिंदा किया। सत्ता में आने पर उसे पूरा करने का दम भरा, साथ ही नर्मदा परिक्रमा पथ बनाने की भी बात कही। नर्मदा का पथ जो परिक्रमा करते हैं उनका पथ का सर्वे होना चाहिए और वहां लोगों को पथ का निर्माण होना चाहिए। इसलिए राम पथ जो है क्योंकि चित्रकूट से इन्होंने वादा किया था नहीं बना पाए, तो वो हम लोग मध्य प्रदेश की आखिरी सीमा तक बनाए। जब दिग्विजय सिंह से पूछा गया कि क्या कांग्रेस बीजेपी के धार्मिक एजेंडे को ओवरटेक करना चाहती है, क्या कांग्रेस बीजेपी की राह पर चल पड़ी है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपको किसने कह दिया कि बीजेपी की राह जो है धार्मिक है? इनकी राह कभी धार्मिक रही नहीं है। मध्य प्रदेश में राम पथ बनाने का वादा शिवराज सिंह ने अक्टूबर 2007 में किया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम ने 11 साल यहीं के जंगलों में बिताए थे। वो जहां जहां गए उस रास्ते को राम पथ के रूप में विकसित करने का वादा बीजेपी ने किया। इसके लिए सतना, पन्ना, शहडोल, जबलपुर, विदिशा में राम पथ बनना था, लेकिन राम भक्त आज तक राम पथ की राह देख रहे हैं। कांग्रेस ने राम नाम जपा तो बीजेपी को मिर्ची लग गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर मुद्दा विहीन हो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन नहीं मध्य प्रदेश में कर सकती, वो अगर भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं उनके नाम पर राजनीति करने की कोशिश करेगी तो जनता निश्चित रूप से उनके मंसूबों पर पानी फेर देगी। सियासत में राम नाम का पूरा इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस 21 सितंबर को राम वन गमन पथ यात्रा भी निकालेगी। दरअसल बीजेपी के हिंदुत्व की काट निकालने के लिए कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रही है। गुजरात और कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी का मंदिर मंदिर जाना, फिर खुद को शिव भक्त बताना, मानसरोवर की यात्रा, मध्य प्रदेश में गौशाला का वादा, फिर राम पथ की बात, ये सब कांग्रेस की बदलती चुनावी रणनीति का ही हिस्सा है। अनिरुद्ध सुनाने, भोपाल, मध्य प्रदेश, आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।